Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई चैनल डिलाइटफुल क्वेश्चंस। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। इसे मैंने अच्छे इस तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई किया है, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है और सबकी फेवरेट है, तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और ये फ्रेंच फ्राइज कई वैरायटीज़ ऑफ रेसिपीज़ है फ्रेंच फ्राइज़ की, तो इंशाल्लाह वन बाय वन आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, मसाला फ्राइज़ भी शेयर करेंगे। फ़िलहाल ये प्लेन आप ज़रूर ट्राई करें, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू ले लिया है और इसे फ्रेंच फ्राइज़ में कट कर लिया है, ठीक है? आलू को इस तरह से कट कर लेना है पीसेस में और फिर इसे हम थोड़ा सी स्टीम करेंगे। बॉईल नहीं करना है, हॉट वाटर में स्टीम करना है, ठीक है? यहाँ एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी हीट करने के लिए रख दिया है, ये हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें फ्रेंच फ्राइज को स्टीम कर लेंगे। पानी में इस तरह से बबल्स आ जाए तब हम ये जो फ्रेंच फ्राइज है इसमें ऐड कर देंगे स्टीम करने के लिए। ये सारे इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे सॉल्ट टू टेस्ट, ठीक है? और इसे हल्का सी स्टर कर लेंगे साथ ही। टू मिनट्स के लिए इसे स्टीम कर लें, इसे हाई फ्लेम पे बॉईल नहीं करना है, हल्का सी इसे गर्म पानी में स्टीम कर लेंगे और फिर इसे निकाल देंगे ताकि इसका पूरा स्टार्च जो है निकल जाए। दैट्स इट। 2 to 3 minutes बाद जब पानी के ऊपर इस तरह से वाइट वाइट आ जाए ना स्टार्च, और फिर ये आलू जो है इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है? तब हम इसे निकाल देंगे। इसे निकालना है और अब इस आलू को हम ऐड कर देंगे आइस वाटर में। तो यहाँ पर एक बोल में मैंने आइस वाटर ले लिया है, अब ये स्टीम पोटैटोज़ को इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ये गर्म पानी में से आलू को निकाल कर अच्छी तरह से फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर लें और फ्रीज़ करने के बाद इसे फ्राई करें, या फिर इस तरह से आइस वाटर में भी ऐड करने के बाद फ्राई कर सकते हैं, ठीक है? दैट्स इट। ये आलू हम इसमें ऐड करने के बाद इसे रखेंगे और एक तरफ ऑयल हीट करने के लिए रख देंगे। चिल्ड वाटर में से निकाल कर एक अच्छे क्लीन कपड़े से इस तरह से टैप करके फ्रेंच फ्राइज को सोक कर लें। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से टैप करके इसे सोक कर लें, ठीक है? उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर ऑयल हीट करने के लिए रख दिया था, ऑयल हीट हो जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेंच फ्राइज। बस इस कदर हीट हो जाना चाहिए कि जब हम फ्रेंच फ्राइज ऐड करें तो ये इस तरह से फ्राई हो, ओवर हीट नहीं करना है ऑयल को। अब इसमें ऐड करके इसे फ्राई कर दूंगे। टू मिनट्स के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे रखकर फ्राई करेंगे और फ्राई होने के बाद इसे निकाल देंगे और उसके बाद डबल फ्राई करेंगे। बस ये हल्का कुक हो जाए उसके बाद इसे निकालेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हल्का से ये फ्राई हो जाएगा ना, तब इसे निकाल देंगे। और इसी तरह सारे आलू को फ्राई करके निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से हल्का सी फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसे डबल फ्राई करेंगे। ये बैच भी हो गया है, अब इसे निकाल देते हैं। देखिए किस तरह से ये फ्राई करना है, बस हल्का सी फ्राई हो जाएगा तब इसे निकाल देंगे।
दैट्स इट। अब ऑयल को पहले से भी ज़्यादा हीट करके फिर आलू को फ्राई करेंगे, डबल फ्राई। ठीक है, ये हमने सारे आलू फ्राई करके हल्का से निकाल दिया है। अब ये ऑयल अच्छी तरह से एकदम हीट हो जाएगा, तब इसमें फ्रेंच फ्राइज डबल फ्राई करेंगे। ये हम ऐड कर देंगे। अब जब सेकेंड टाइम आप फ्राई करने के लिए इसे ऐड करेंगे ना, तो आपको जितना गोल्डन ब्राउन चाहिए उतना आप इसे फ्राई कर लें और फिर इसे निकाल दें। इसी तरह बाकी के फ्रेंच फ्राइज भी फ्राई कर लेंगे। दैट्स इट, ये हमारे फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने अच्छा गोल्डन ब्राउन फ्राई किया है, आप चाहें तो इसे लाइट ब्राउन भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर वो जो वाइट वाइट होता है ना वैसे भी आप फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे गोल्डन ब्राउन पसंद है। अब बस इसे डिप करें अपने फेवरेट डिप सॉस के साथ, मेयोनीज के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ, और एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।